वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच आयोजित किया जा रहा इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन को पहला झटका लगा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल सूत्रों की माने तो टीम से जुड़े एक अधिकारी ने खबर की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक टीम के दुबई पहुंचने के बाद किए गए कोविड-19 टेस्ट में टीम का एक सदस्य पॉजिटिव पाया गया है। टीम के सदस्य के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पहले से 6 दिन के क्वारंटाइन में रह रही टीम एक हफ्ते के अतिरिक्त क्वारंटाइन में जाएगी। दरअसल टीम से जुड़े सूत्र ने कहा, जब यूरोप में फुटबॉल शुरू हुआ था तो कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए 8 टीमों और 1000 से ज्यादा सदस्यों के बीच ये संभावना है कि ये किसी भी टीम के साथ हो सकता था। दुर्भाग्य की बात है कि सभी नियमों का पालन करने के बाद भी ये CSK टीम के साथ हुआ। IPL का 13वां सीजन 19 सितंबर से शुरू होने वाला है, जहां पहला मैच चेन्नई और पिछले सीजन की विजेता मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है। अगर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।